शिल्पा सिटी के पति राज कुंड्रा का नाम इन दिनों एक विवादित मामले में आ गया है। इकबाल मिर्ची के करीबी रंजीत सिंह विद्रा के साथ बिजनेस डील के मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा है। इस मामले में राज कुंड्रा से पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन भेजा है। 4 नवंबर को उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन राज कुंड्रा आज ही ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। इस मामले में असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के प्रॉपर्टी डील की ईडी की तरफ से जांच की जा रही है। इसमें जांच एजेंसी को बॉलीवुड कनेक्शन का पता चला है। ईडी को 225 करोड़ की प्रॉपर्टी डील में मुख्य भूमिका निभाने वाले गिरफ्तार अभियुक्त रणजीत सिंह बिद्रा के साथ राज कुंद्रा को व्यावसायिक लेन देन का पता चला था। इसी मामले में राज कुंद्रा को पेश होने के लिए समन भेजा गया। लगभग 225 करोड़ रुपए की मिर्ची की संपत्तियों के सौदे के मामले में बिंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। इसी के बाद अब तलवार शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर आकर लटकी है। बिंद्रा की रियल एस्टेट कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और एसएल हॉस्पिटलिटी लिमिटेड के बीच सौदे के बारे में जानकारी मिली है। एसएल हॉस्पिटलिटी में शिल्पा सेट्टी निदेशक हैं। बिंद्रा की कंपनी ने शिल्पा की कंपनी में 44 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 31 करोड़ रुपए का बिना ब्याज वाला कर्ज भी दिया था। शिल्पा की कंपनी को अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच 30 करोड़ रुपए और अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच 117 करोड़ रुपए का कर्ज भी मिला था। राज कुंद्रा से इन्हीं सौदों के बारे में पूछताछ की जा रही है।